गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में हमने जो लेसन किया था, हिंदी ग्रामर का टॉपिक हम कर रहे हैं, भाषा हमने किया था, याद है ना आपको। अपनी भाषा वाला वीडियो हमारा देखा होगा, उसमें हमारा एक पॉइंट जो आपको बताना चाहता हूँ आज, वो है लिपि के बारे में। जैसे हम कर रहे थे कि हिंदी भाषा की जैसे संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है, क्या आपको पता है कि जो दृष्टि बाधित व्यक्ति होते हैं, जिनको आंखों से मतलब दिखाई नहीं देता, उनके लिए भी एक लिपि का प्रयोग किया जाता है। हाँ, उनके लिए भी एक लिपि का प्रयोग किया जाता है, जिस लिपि से वह अक्षरों को समझ पाते हैं कि क्या लिखा है, क्या उनको ने बोलना होता है, लिखा हुए को पढ़ के सुनाना होता है, तो उसके लिए जो लिपि है उसका नाम है ब्रेल लिपि। क्या नाम है? ब्रेल लिपि। हाँ, और यह है पूरे विश्व में एक ही प्रकार से लिखी और समझी जाती है। ठीक है, तो जो आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं वह है हमारा व्याकरण, यानी कि व्याकरण का जो हम टॉपिक कर रहे हैं, हिंदी व्याकरण है, जैसे अंग्रेजी में भी ग्रामर होती है, ग्रामर बोलते हैं उसको, तो ग्रामर होती क्या है, व्याकरण कहते किसे हैं, हम एक ये पॉइंट क्लियर कर लेते हैं, और फिर जो ग्रामर के अंदर जो सब टॉपिक आते हैं, वर्ण विचार है, शब्द विचार है, वाक्य विचार है, पद विचार है, हम इनके बारे में एक एक करके बारीकी से इनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो व्याकरण, व्याकरण होती क्या है, व्याकरण कहते किसे है, यानी कि व्याकरण वह शास्त्र जिसके द्वारा, वह शास्त्र जिसके द्वारा किसी भी भाषा के शुद्ध या अशुद्ध रूप का हमें पता चले, वह व्याकरण कहलाती है। यानी कि कोई भी हम भाषा बोल रहे हैं, उनकी कोई ना कोई तो व्याकरण होती है, ग्रामर होती है, उसके रूल होते हैं वाक्य को लिखने के, बोलने के, ठीक है, पढ़ने के, तो उसके जो नियम होते हैं, जिस शास्त्र में वह वर्णित होते हैं, यानी कि जो उसके जो नियम हैं, जो किसी शास्त्र में लिखे हुए हैं, किसी बुक में लिखे हुए हैं, तो उसको हम बोलते हैं व्याकरण। वह शास्त्र जिसके द्वारा हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हो, कि इसमें कोई गलती तो नहीं है ना, ये वाक्य सही है, इस प्रकार का वाक्य है, अगर वो सही है तो हमें व्याकरण के नियमों से ही वो पता चलता है, तो उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण का अध्ययन करने के लिए हमें चार इसके जो स्टेप है, जो स्तर है, वो देखने होते हैं। जो पहला स्टेप है हमारा वर्ण विचार, ठीक है, दूसरा जो है शब्द विचार, तीसरा जो है हमारा पद विचार, और जो अंतिम है वह है वाक्य विचार। यानी कि हम इन चारों को देखते हैं बारी बारी से, और इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं कि वर्ण क्या होते हैं, पद क्या होते हैं, शब्द क्या होते हैं, शब्दों से वाक्य कैसे बनते हैं, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है वर्ण विचार। वर्ण किसे कहते हैं, सबसे पहले तो हम यही क्लियर करना होगा कि वर्ण होता क्या है, वर्ण कहते किसे हैं। भाषा की वह ध्वनि जिसके हम अधिक टुकड़े ना कर सके, दैट इज कॉल्ड वर्ण। ठीक है, तो जैसे हमारे हिंदी में स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन, ये सब हमारे जो हिंदी वर्णमाला में अक्सर होते हैं, इन्हीं को तो हम वर्ण कहते हैं। यानी कि वर्णमाला में अंकित स्वर और व्यंजन ही हमारे वर्ण कहलाते हैं। क्लियर है इतना? तो हम जैसे वर्ण का एक उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर तीन अक्षर आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर हम इसके टुकड़े करें, क जमा अ जमा म जमा अ जमा ल जमा अ, तो ये है हमारा वर्ण, ये सब हमारे वर्ण हैं, और हम इसके क के और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते। ठीक है, क के नीचे हमने हलंत लगाया है, ये ध्यान में रखें, नोट करें, जो यहां पे हमने क लिखा है, ये इसमें हमने
वॉवल की साउंड ली है, निगे स्वर की साउंड साथ में लगाते हैं, क जमा अ, तब जाके बनता है हमारा क, क्लियर है। ऐसे ही म जमा अ, म, ठीक है। तो जो ये हमारे वर्ण निकल के आए हैं, हम इसके और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते, क क अगर निकला है तो इसके और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते, तो ये हमारा वर्ण है, ठीक है। तो अब हम करते हैं कि इसके कितने भेद हैं, कौन कौन से भेद होते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है, ठीक है। वर्ण के भेद, वर्ण के कितने भेद होते हैं, मैंने अभी बताए थे दो भेद होते हैं, वर्ण के दो भेद हैं, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। यानी कि हमने वर्णमाला में जितने भी हमारे वर्ण हैं उनको दो भागों में बांटा है, एक स्वर और एक व्यंजन। स्वर कितने होते हैं, स्वरों की जो संख्या होती है वह होती है 11, ठीक है। स्वर कितने होते हैं, 11। जो व्यंजन है, कॉन्सोनेंट जिनको बोलते हैं, उनकी जो संख्या है वो है 33, यानी के 33। क्लियर है इतना। वावल कितने हैं, 11, और कॉन्सोनेंट कितने हैं, 33। क्लियर है इतना। तो आगे हम देख लेते हैं स्वर, स्वर होते क्या है, स्वर यानी के जिनको हम स्वतंत्र रूप से बोलते हैं, उनमें हमें किसी की आवश्यकता नहीं होती किसी अन्य वर्ण की, तो उन्हें हम स्वर कहते हैं। और व्यंजन जो होते हैं उन्हें स्वरों की सहायता से बोला जाता है, यानी कि स्वरों को हम ऐसे ही बोल सकते हैं बिना किसी रुकावट के, और व्यंजन को जब हम उच्चारित करते हैं उसके अंदर हमें साथ के साथ स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, तभी हमारे व्यंजन कंप्लीट होते हैं। अब हम देख लेते हैं स्वर कौन कौन से होते हैं, अ आ ई ई उ उ री ए ऐ ओ औ, इनकी संख्या है 11। आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं ना, ये अ आ ई ई उ उ री ए ऐ ओ औ, इनकी संख्या है 11, ठीक है। जो व्यंजन देख लेते हैं हम, क ख ग घ अंग च छ ज झ अय, ये सारे के सारे ह तक जो होते हैं वो हमारे व्यंजन कहलाते हैं, और इनके नीचे मैंने सब के नीचे हलंत लगाया हुआ है, यानी कि इनको मैंने बिना स्वरों की आवाज के लिखा है, ठीक है। अगर हम इसमें जैसे मैंने पहले कमल को इसको टुकड़े करके बताए थे, मैंने क जमा अ जमा म जमा अ ल जमा अ, तो वो हमारा क्या था, जैसे क है हमारा क, क जो होता है वो होता है क हलंत वाला प्लस अ, आप उच्चारण करके देख लिए क, तो साउंड साथ में किसकी आएगी, अ की, ख तो साउंड किसकी आएगी साथ में अंत में, अ की। तो सबके पीछे जो वर्ण है हमारा स्वर है अ, वो वह छिपा हुआ होता है, तो ये बिना जो स्वर की सहायता से लिखे गए हैं क ख घ घ अंग सारे के सारे, इनकी संख्या जो होती है वह है 33, यानी के 33। अब जो जो हमारे अलग बच गया, ये तो 33 और 11 कितने हो गए, 44, 44 उनसे अलग जो हमारे जिनको हम स्वरों के साथ लिखते हैं अंग और अह, अंग और अह, ये जो दो वर्ण हैं इनको हम बोलते हैं अयोगवा, क्या बोलते हैं, अयोग वा, जो दो अंग और अ है ये है हमारे अयोग वा। इसके अलावा जो ह के बाद हम लिखते हैं अक्ष त्र ग्य स्र, वो हमारे कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन, क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन। आइए हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं, और आगे जो अन्य वर्ण भी हमारी हिंदी भाषा में आए हुए हैं, कोई उर्दू से आया हुआ है, कोई अंग्रेजी भाषा में से आया हुआ है, हम उनकी भी जानकारी लेते हैं। अब हम कर लेते हैं अंग और अह, जो ये है हमारे, इनको हम बोलते हैं अयोगवा, क्ष त्र ज्ञ और स्र, ये हैं हमारे
संयुक्त व्यंजन, क्या बोलते हैं हम इनको, संयुक्त व्यंजन, ये हमारे चार ही हैं। उसके बाद जो है हमारा, इसको हम अंकी बिंदी बोलते हैं, ये कहलाता है हमारा अनुस्वार। अनुस्वार जो सिर्फ नाक से जिसकी ध्वनि निकलती है, जो चंद्रबिंदु हम जिसे कहते हैं उसको हम बोलते हैं अनुनासिक। इसमें मुख और नासिका दोनों से ध्वनि निकलती है। जो ओ है, ओ यह है जो हम हिंदी का हमारा लिखते हैं ओ औ, उससे थोड़ा सा डिफरेंस है। ये इंग्लिश से हमारे अंग्रेजी का आगत व्यंजन है, यह अंग्रेजी भाषा से निकला है, जो हमने हिंदी में इसको एक्सेप्ट कर लिया है। उसके बाद है फ और ज, यह उर्दू भाषा से आए हुए व्यंजन है, ठीक है, यह उर्दू भाषा से व्यंजन आए हुए है। तो जब हम स्वर और व्यंजन जब हम लिखते हैं, तो जब हम शब्द बनाते हैं उनके लिए हमें कुछ मात्राओं का प्रयोग करना पड़ता है। और वो मात्रा कौन कौन सी होती है हम इधर देख लेते हैं। जो अ हमारा स्वर है वह मात्रा रहित होता है, यानी कि उसकी अ की कोई मात्रा नहीं होती है। उसके बाद जो है हमारा आ, आ की मात्रा इस प्रकार हम लिखते हैं, यह इ की मात्रा है और यह ई की मात्रा है, ऊ की मात्रा है और यह ऊ की मात्रा है, री की मात्रा है। उसके बाद हम ए की मात्रा देख लेते हैं, ए की मात्रा सिर्फ ऊपर से लगाते हैं, और ऐ की मात्रा जो ऊपर दो मात्राएं लगाते हैं हम किसी अक्षर के ऊपर, ओ की जो मात्रा है साथ में जैसे ओ लिखते हैं हम अ लिख के, और जो पूर्ण विराम लगा के हम ऊपर मात्रा लगाते हैं ओ की मात्रा, औ की मात्रा में साथ में नीचे पूर्ण विराम और ऊपर औ की मात्रा दो होती हैं। अंक की मात्रा जो हमारा अनुस्वार है वो वह अंक की मात्रा होती है, और उसके बाद अह यानी कि विसर्ग जो होती है वो अ की मात्रा कहलाती है, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वर्ण विचार वह लगभग हो ही गया है। अगर इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, अगर जो उसके अंदर कमी है तो हम उसके अगली वीडियो में उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। हमने अपनी तरफ से आपको पूरा करवाया है, यह चैप्टर अब वर्ण विचार का जो था कंप्लीट होता है। हम इसकी अगले जो अगर कुछ बच जाता है तो अगले वीडियो में हम इसको वहीं से शुरू करेंगे। तो अगली वीडियो के लिए हम मिलते हैं जल्द ही, और कुछ समझ में ना आए तो कमेंट जरूर करना। आपके पिछली जो वीडियो थी उसके अंदर बहुत सारे हमें एक्सरसाइज करके बच्चों ने जैसे भेजी है, आप भी इसकी एक्सरसाइज कीजिए, और इससे संबंधित कुछ समझ में ना आए तो आप हमें लिख के भेजिए। तब तक के लिए बाय बाय।